हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं टाटा ऑल्टोज और ह्युंडई एक्स्टर के बीच में। तो देखते हैं दोनों ही कारों में से कौन सी कार हमारे लिए बेस्ट है, जिसमें हमें अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएं, सबकी पसंदीदा माइलेज मिल जाए और अच्छी खासी पावर भी मिल जाए। तो देख लेते हैं दोनों ही कारों में से किस कार में हमें ये सब मिलता है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो बिना किसी देर के वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन को दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो 3990 mm की लेंथ हमें ऑल्टोज में देखने को मिलती है, जबकि एक्स्टर में हमें 3815 mm की लेंथ मिलती है। अब रही बात दोनों ही कारों की विड्थ की, तो 1755 mm की विड्थ हमें ऑल्टोज में मिलती है और 1710 mm की विड्थ हमें एक्स्टर में मिल जाती है। इसी के साथ 1523 mm की हाइट हमें ऑल्टोज में मिलती है और 1631 mm की हाइट हमें एक्स्टर में मिल जाती है। अब रही बात दोनों ही कारों के व्हील बेस की, तो 2501 mm का व्हील बेस हमें ऑल्टोज में मिलता है, जबकि एक्स्टर में हमें 2450 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अब भाई इन दोनों ही कारों का डायमेंशन देखने के बाद हमें ये तो साफ साफ क्लियर हो चुका है, इन दोनों ही कारों में से आपको कैबिन स्पेस तो ऑल्टोज में ही ज्यादा मिलेगी, चाहे वो लेंथ की बात हो या विड्थ की बात हो, चाहे बात हो इन दोनों ही कारों के व्हील बेस की। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ऑल्टोज में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एक्स्टर में आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करें दोनों ही कारों के बूट स्पेस की, जिससे आप इन कारों में ज्यादा से ज्यादा सामान रख सकें। तो ऑल्टोज में आपको 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि एक्स्टर में आपको 391 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही कारों के टायर साइज की, देख लेते हैं दोनों ही कारों में से किस कार में हमें ज्यादा बड़े टायर्स ऑफर होते हैं। तो ऑल्टोज के बेस वेरिएंट में आपको 14 इंच के स्ट्रीम्स मिलते हैं, जबकि इस कार के मिड वेरिएंट में 16 इंच के स्ट्रीम्स मिल जाते हैं। जबकि आप इस कार के टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो उसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब बात करें एक्स्टर में मिलने वाले टायर्स की, तो एक्स्टर के बेस वेरिएंट में आपको 14 इंच के स्ट्रीम्स मिलते हैं, जबकि इस कार के टॉप वेरिएंट में आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दोनों ही कारों में से हमें किस कार में अच्छी पावर मिलती है, उसके लिए हमें इन कारों के इंजन देखने पड़ेंगे। तो पहले बात करते हैं टाटा ऑल्टोज के इंजन की। तो टाटा ऑल्टोज में आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इस कार का पहला इंजन है 1199 cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि पेट्रोल पर 84 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन आपको CNG के साथ भी देखने को मिल जाता है, तब यह इंजन 72 bhp की पावर के साथ 103 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में आपको दूसरा इंजन देखने को मिलता है 1199 cc का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 108 bhp की पावर और 140 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार का तीसरा इंजन है 1497 cc का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 88 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात करें एक्स्टर में मिलने वाले इंजन की, तो एक्स्टर में आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 1197 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 81 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन आपको CNG के साथ भी देखने को मिलता है, तब यह इंजन 67.72 bhp की पावर और 95.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कारों की माइलेज की। तो भाई ऑल्टोज में आपको पेट्रोल पर 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज मिलती है और CNG पर यह कार 26.2 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज देती है और 23.64 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर दे देती है। अब एक्स्टर की बात करें तो दोस्तों एक्स्टर पेट्रोल पर 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है और 27.1 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज ये कार CNG पर दे देती है बड़े आराम से। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही कारों में मिलने वाले फ्यूल टैंक की। तो वो आपको एक जैसा ही मिलता है दोनों ही कारों में, जो कि 37 लीटर का है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कारों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो ऑल्टोज में आपको डुअल एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इसी के साथ ब्रेक स्वैग कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो डिमिंग IRBM। अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्टर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो एक्स्टर में आपको 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD देखने को मिलता है, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, मैनुअल IRBM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, फ्रंट एंड रियर डुअल डैश कैम। अब भाई दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स देखने के बाद ये तो हमें साफ साफ क्लियर हो चुका है कि ऑल्टोज में आपको सेफ्टी फीचर्स तो कुछ कम मिलते हैं, एक्स्ट्रा में आपको सेफ्टी फीचर्स तो भाई ज्यादा मिलेंगे। पर भले ही आपको ऑल्टोज में सेफ्टी फीचर्स कम मिलते हैं, पर आप एक चीज मत भूलिए, टाटा ऑल्टोज ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में एडल्ट के साथ 5 स्टार का स्कोर किया है और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में इस कार ने 3 स्टार का स्कोर किया है और ये कार एक सेफेस्ट कारों की लिस्ट में भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो हम पहले बात करते हैं ऐसे फीचर्स की जो आपको दोनों ही कारों में कॉमन मिल जाते हैं। तो ऑल्टोज में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि एक्स्ट्रा में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोनों ही कारों में आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो देखने को मिलता है।
होता है। इसी के साथ दोनों ही कारों में आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरबीएम्स, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल्स, कूल क्लब बॉक्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जबकि एक्स्ट्रा में आपको सिर्फ रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और फुटवेल लाइटिंग। तो दोस्तों ये थे इन दोनों ही कारों के ऐसे कॉमन फीचर जो आपको दोनों ही कारों में मिलते हैं। अब आपको मैं ऐसे 6 फीचर्स बताता हूँ जो आपको सिर्फ ऑल्टोज में ही मिलते हैं। वो है रेन सेंसिंग वाइपर, फ्रंट फॉग लैंप विद कॉर्निंग फंक्शन, एयर प्योरीफायर, रियर फॉग लैंप, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट और शार्पन एंटीना। तो दोस्तों ये सभी फीचर आपको सिर्फ ऑल्टोज में ही मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फीचर जो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा में ही मिलता है, वो है पेडल शिफ्टर्स। ये आपको ऑल्टोज में नहीं मिलता है। तो अब चलिए बात करते हैं हम दोनों ही कारों में मिलने वाले वारंटी पीरियड की। तो ऑल्टोज में आपको 3 साल के साथ 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि हुंडई की एक्स्ट्रा में 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के प्राइस की। तो ऑल्टोज का प्राइस 6,60,000 से शुरू होकर 10,74,000 तक चला जाता है, जबकि एक्स्ट्रा का प्राइस 6 लाख से शुरू होकर 10,10,000 तक जाता है। तो दोस्तों ये है टाटा ऑल्टोज और हुंडई एक्स्ट्रा का कंपैरिजन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जितने भी इन दोनों ही कारों को लेकर डाउट थे आज की इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर आप दोस्तों और दूसरे किसी कारों पर भी कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं उस पर आपको एक वीडियो जरूर बनाकर दूंगा। जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।